बिल्कुल फ्रेश बना हुआ पीस है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेकिंग क्या होती है इसकी। जैसे ये है एंड हाउ दे आर डूइंग इट। ये छोटे छोटे पार्ट्स आपने डिजाइन करके रखे ना, दिखाइए। अच्छा ओके, इनको सांचों से बनाते हैं कि क्या करते हैं आप? ऐसी हथौड़ी और ऐसी बनाते हैं। अच्छा, चिमटे और हथौड़ी से ऐसी। अच्छा, ऐसे डिजाइन करते हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप विश्वकर्मा। दिलीप विश्वकर्मा, कहाँ से आए आप दिलीप जी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, वहाँ का आर्ट है क्या? आर्ट बोलते हैं इसको, बस्तरी आर्ट। बस्तरी आर्ट। और ये मेटल, क्या मेटल है ये? आयरन। आयरन है। अच्छा, क्यों लगाया जाता है, कुछ खास कारण है या ऐसे बस सजाने के लिए? बोलते हैं कि घर में लोहा का सामान, जो लोहार का भट्टी से जो निकलता नहीं है जी, उसको रखना जरूरी है बोलते हैं। उससे क्या होता है? शुभ बोलते हैं। शुभ होता है लोहा तो मानते ही। अच्छा ना, ठीक है ठीक है, तब तो फिर आपसे लेना पड़ेगा हमको भी। आपका इच्छा जरूर लेंगे आपसे। हाँ, वहाँ भी रखा हुआ है, वहाँ भी। तो जैसे ये पीस मुझे पसंद आया तो इट इज फॉर 500। एक बार उठा के देख लूं, गरम तो नहीं है? ठंडा है। ठंडा है ना। ये देखिए, सच अ ब्यूटीफुल पीस एंड दे आर सेइंग कि अभी ये रेडी नहीं हुआ है। रेडी मतलब अभी आप इसमें पॉलिश करोगे? पॉलिश ही करना। अच्छा, वैसे मुझे तो ना ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पॉलिश मतलब आप वो ब्लैक करोगे? ऐसे भी। मुझे तो ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये पीस आप मेरे लिए रखिए, ठीक है? हाँ, ये पैक करिए, पैक करिए आप इसको। बोनी आप ही का हो जाएगा। हाँ ठीक है, बोनी मेरी तरफ से जाएगा। काफी मेहनत का काम होता है दोस्तों, हमारा आर्ट कोई भी इजी नहीं है। और जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं, मुझे लगता है दाम कम लेते हैं ये लोग, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी खुशी से जो बोलते हैं वो हम उसमें बार्गेनिंग करना पसंद नहीं करते। एंड हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो इनको हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, इनको हेल्प कीजिए। ये हुक लगा रहे हैं उसमें ऊपर से। द रॉ मटेरियल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन पेंट इट ब्लैक। फाइनल पॉलिशिंग।